हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टार पायल वत्स में। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब कुशल मंगल होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन फिर आपके लिए लेकर आई हूँ। आज का लेसन है जिनको फिंगर्स चलाने में दिक्कत है ढोलक पर, उनके लिए स्पेशल होने वाला है। और एक ही ताल को आप दो तरीके से कैसे बजाएं, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बिना फिंगर्स चलाए आपको इसमें, जो मैं आपको बताऊंगी ताल, इसमें फिंगर्स नहीं चलानी है। बिना फिंगर्स चलाए आप ताल को कैसे एक सुंदर सी बना सकते हैं, और उसी ताल को फिर मैं आपको बताऊंगी कि फिंगर्स चला के आप उसमें कैसे सुंदरता ला सकते हैं। एक ही ताल को दो तरीके से आप कैसे बजाएं, इस बात पर आज हम अपनी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे बेल आइकन है उसको प्रेस करें, वहाँ पर ऑल का बटन आएगा उसको जरूर क्लिक करेगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, इतना तो आपने कर ही दिया होगा क्योंकि फिंगर से आपको चलानी है। और मेरा दूसरा भी चैनल है पायल वत्स गाने के नाम से है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बेस पर, चाटी पर बताऊंगी, फिर दोनों की मैचिंग करके बताऊंगी, दोनों ताल के साथ आप किस तरीके से गाएं, किस तरीके का गायन आप करें, यह भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में इसलिए अंत तक जरूर बने रहे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बेस पर। देखिए, बेस पर आपने कैसे बजाना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ बिना फिंगर्स चलाए आप कैसे बजाएंगे। देखिए, बेस पर आपने बजाना है एक दो, एक दो और तीन बजाना है, फिर आपने चाटी की साइड एक दो तीन, एक दो तीन चार और फिर पाँच छः सात। इस वाली ताल को ना आप फास्ट कैसे बजाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो आगे बताऊंगी, पहले आप ये समझिए। देखिए कैसे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो देखिए, जब आप इसको लय में बजाएंगे तो देखिए कैसे साउंड निकल कर आएगा। देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात। लय में आपने ऐसे ही बजाना है, क्योंकि सारा खेल जो होता है ना लय का होता है। अगर आप लय भूल जाते हैं, डगमगा जाते हैं, तभी आपकी ढोलक है वो भी डगमगा जाती है और अच्छी ताल नहीं निकलती है। तो देखिए कैसे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 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 एक दो तीन चार। तो देखिए कितनी आसान ढोलक है। जिनको फिंगर्स चलाने में दिक्कत है आप इस तरीके से इसको बजाइए, और इसी ताल को फिर आप फिंगर्स के साथ कैसे बजाएंगे चला के ये भी बताऊंगी। दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो देखिए, ये लेसन तो उनके लिए था जिनको फिंगर्स चलाने में दिक्कत है। तो अब आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म हो गई होगी, आप भी एक अच्छी सी ताल अपनी बजा सकते हैं। अब इसी ताल को देखिए फिंगर्स चला के आप फास्ट कैसे बजा सकते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा अब इस वाली ताल पर। तो ये थोड़ी सी हमारी फास्ट भी हो जाएगी ताल और बहुत खूबसूरत लगती है। देखिए, जो लय है, लय जो मैंने आपको बताई है बिना फिंगर्स चलाने में जो बताई है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, लय आपकी ये ही रहेगी। और उसी लय में आपने देखिए कैसे इस पे बजाना है, चाटी पर ही बजाना है। अब जो हम मैच करके दोनों साइड बजा रहे थे एक दो तीन चार पाँच छः सात, अब वो जो सात काउंटिंग है वो आपने चाटी की साइड बजानी है। देखिए कैसे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, देखिए वो ही ले आ गई, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात। जहाँ आप चार बजाएंगे वहीं पर पाँच बजेगा। देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार
पाँच छः सात, एक दो तीन चार, पाँच छः सात, एक दो तीन चार, पाँच छः सात। धीरे धीरे बताती हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात। देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो देखिए वो ही लय इसमें बजेगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 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 एक दो तीन चार पाँच छः सात। जो मैंने आपको बताई अभी इससे पहले बिना फिंगर्स चलाए ढोलक, आप पहले सबसे पहले उस पर प्रैक्टिस कीजिए। जब आपकी ताल उस पर अच्छे से बजने लगेगी तो फिर आपको फिंगर्स चलाने में दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी जो लय है वो पक्की हो जाएगी। देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 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 एक दो तीन चार पाँच छः सात। और फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। देखिए, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बेस पर देखिए आपने कैसे बजाना है। जो चाटी की साइड आपने 7 बार बजाना है, और बेस पर आप जो बजाएंगे वो आप बजाएंगे एक दो तीन, मतलब जो खुला बेस है वहाँ पर आपने 3 बार बजाना है, और बंद बेस में सिर्फ आपने 1 बार बजाना है। देखिए कैसे, एक दो तीन, एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन चार। बेस पर भी मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है। अगर आपका बेस गड़बड़ होता है तभी आपकी जो ढोलक है तभी गड़बड़ होती है। बेस पर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए आपने कैसे बजाना है। यहाँ पर बजाएंगे आप एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब देखिए, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि चाटी पर आपने कितनी बार कैसे बजाना है और बेस पर आपने कैसे बजाना है। अब बात आती है इसकी मैचिंग की। देखिए, उसी में आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कैसे मैं बता रही हूँ। देखिए, एक दो तीन चार, पहले ढोलक पे यहाँ पे आपको बता देती हूँ, अच्छे से समझिए, फिर बजा के भी बताती हूँ। जब आप यहाँ पे बजाएंगे एक दो, जब आप यहाँ बजाते हैं एक दो तीन चार, तो यहाँ बजाते हैं आप एक दो, तो यहाँ पर आप बजाएंगे एक दो के साथ यहाँ पे 3 बार बजेगा। देखिए, एक दो, देखिए मैं यहाँ पे 2 बार बजा रही हूँ, यहाँ पर 3 बार बज रहा है। एक दो, और यहाँ पे आप बजाएंगे 3 बार, एक दो, देखिए यहाँ पर 2 बार बज रहा है और यहाँ पे 3 बार, एक दो, देखिए यहाँ पर 2 बार और यहाँ पे 3 बार। तो ये तो मैचिंग हो गई हमारी ये। और जब यहाँ पर आप बजाएंगे 3, तो यहाँ पर आपने उसकी 4 के साथ मैचिंग करनी है। 4 मतलब जब यहाँ पर आप बजाएंगे एक दो, तो यहाँ पे एक दो तीन चार, और जब आप 5 बजाएंगे तो आपने बेस पर नहीं बजाना है, 5 आपका ऐसे ही बजेगा 5। और जब आप यहाँ पर बंद बेस में 4 बजाएंगे तो यहाँ पर आपका बजेगा, यहाँ पर हमारी हो गई कहाँ तक काउंटिंग, 5 तक, 6 7, मतलब जब आप यहाँ पे बजाएंगे बंद बेस में 4 तो यहाँ पे बजेगा 6 7 इसके साथ। तो देखिए बिल्कुल धीरे धीरे आपको बता रही हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात। मतलब जब आप यहाँ पे 5 बजाएंगे तो उसके साथ बेस नहीं बजेगा, और जितनी भी आप मात्रा यहाँ पे बजाएंगे उसके साथ हमने बेस की मैचिंग करनी है। देखिए कैसे, अब जब आप इसका साउंड निकालेंगे, साउंड देखिए किस तरीके का निकल कर आएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार
5, 6, 7 मतलब जब 5 बजेगा तब आपने नहीं बजाना है। ढोलक की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरीके से बजानी है आपने। जब 2 बार बजाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जब आप इसको बजाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखिए कितनी खूबसूरत ताल निकलकर हमारी तैयार होती है। किसी भी तरीके का आप इसमें गाना गाइए, देखिए लास्ट में जो पिकअप मैंने लगाया इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पर जाके विजिट करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है हमारी तो लाइक करें, शेयर करें, आगे से आगे शेयर भी करा करें वीडियो को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छी ढोलक अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो इन दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, नमस्ते जी।